पुष्पास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं नई रेसिपी लेकर आई राजस्थान के प्रसिद्ध बाजरे के दलिये की राब बनाने की। चलिए राजस्थान के प्रसिद्ध बाजरे के दलिये की राब बनाना शुरू करें। राब बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम खाटी छाछ ली, आधा कटोरी दलिया लिया, आधा चम्मच मैंने जीरा लिया, नमक अपने स्वाद अनुसार, आधा चम्मच मैंने सूखी मेथी के दाने लिए। अब ये आधा कटोरी दलिया मैं खाटी छाछ में डाल देती हूँ, आधा चम्मच जीरा डाल देती, नमक डाल देती और मेथी के दाने डाल देती। चम्मच की सहायता से दलिये और छाछ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती। छाछ और दलिये को अच्छी तरह से मिक्स करना, इसमें एक भी गुठली नहीं पड़नी चाहिए। हम राब बनाते हैं तो राब बनाने के लिए छाछ में खट्टी नहीं चाहिए, एकदम ताजी छाछ से राब बनानी है। जीरा और मेथी और दलिये और छाछ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, अब मैं राब बनाना शुरू करूंगी। चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन कर देती हूँ, गैस पर तपेली रख देती हूँ। दलिया और छाछ का जब तक उबाल नहीं आता तब तक हम चम्मच से इसी तरह से मिक्स करना है। मैंने 500 ग्राम छाछ में मैंने आधा कटोरी दलिया डाला है। छाछ हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम घर की ताजी छाछ होनी चाहिए। हम जब राजस्थान में राब बनाते हैं तो हम घर की ताजी छाछ से राब बनाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे राब का उबाल आ चुका। उबाल आने के बाद में मैं राब को 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। आप देख सकते हैं हमारी राब पककर तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, राब को ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। राब हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी। राब के साथ मैं आपको दही सर्वे करके बता देती हूँ। एक कटोरी मैंने ठंडा दही लिया, आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया। आपको जितनी राब लेनी पसंद हो उतनी राब ले सकते हैं आप। मैंने आधा कटोरी राब ली, इसमें मैं आधा कटोरी दही डाल देती हूँ। मैंने आधा कटोरी दही और आधी कटोरी राब ली, इसमें मैं आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देती हूँ। भुने हुए जीरे का पाउडर डालने से हमारे राब और दही का स्वाद बहुत अच्छा आता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसमें आधा चम्मच में भुना हुआ जीरा डाल देती हूँ। राब और दही में मैं जीरे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। दही और राब में भुना हुआ जीरा डालने से हमारे राब और दही का स्वाद और बढ़ जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दही और राब और जीरे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरह से आप भी एक बार अपने घर पर राब जरूर बनाएं, बहुत स्वादिष्ट बनती है हमारे देसी बाजरे की राब। हमारी राब बहुत स्वादिष्ट बनी है, आप भी इस तरह से एक बार देसी बाजरे के दलिये की राब जरूर बनाएं, बहुत स्वादिष्ट बनती है हमारी देसी बाजरे की राब। राब बनाने का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट। आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।